Okay, so question is, a body moving with an initial velocity of 36 km per hour accelerates uniformly at the rate of 4 meter per second square and for 15 seconds. Calculate the total distance traveled in 15 seconds and the final velocity. So initial velocity is 36 km per hour, acceleration is 4 meter per second square and time laga hai 15 seconds. So hamein sab distance pata karna hai, velocity, final velocity pata karna hai. तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या क्या हमें पता है. तो u पता है हमको, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आर. ओके, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हो जाएगा ये 36 इंटू 5/18 कर देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकंड. ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी. इसके बाद हमारा एसलेशन है 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है, तो ये हमारा ठीक है. और जो टाइम है वो है 15 सेकेंड. ओके, उसके बाद यूजिंग सेकेंड इक्वेशन, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन जो कि है हमारा एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, इससे हम जो है डिस्टेंस पता कर लेंगे. तो s इज इक्वल टू, जो कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा u है 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 15 हो जाएगा, जो कि हमारा टाइम है, प्लस 1/2 इंटू a जो कि हमारा 4 है, सेलेशन 4 है, एंड 15 स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, इसका हमारा 10 इंटू 15 हो जाएगा 150 एंड प्लस ये 2 2 2 4 हो जाएगा, एंड 15 स्क्वायर 225 होता है इंटू 2, जो कि हमारा हो जाएगा 450, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 600 मीटर, जो हमारा डिस्टेंस हमारा 600 मीटर आंसर आ चुका है. उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन के मदद से, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन जो कि है हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसके मदद से हम v इज इक्वल टू निकाल लेंगे. u है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 जो कि एक्सलेशन है, इंटू 15 जो कि टाइम है हमारा. इसको सॉल्व करेंगे तो 15 4 जा हो जाएगा 60 एंड 10 प्लस 60 जो कि हमारा हो जाएगा 17 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा वेलोसिटी आ गया. तो ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.